मध्य प्रदेश में हो रहे युवा कांग्रेस चुनाव के विषय में ब्यावरा के विधानसभा चुनाव प्रभारी यूथ कांग्रेस के राहुल जाटव से हमारे संवाददाता मोहन वर्मा ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने युवा कांग्रेस में चुनाव में होने की प्रक्रिया को समझाया। नमस्कार साथियों, आपने देश के अंदर कई चुनाव देखे हैं, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगरीय निकाय, पर देश में दूसरी बार ये चुनाव होने जा रहे हैं, युवक कांग्रेस चुनाव। इसमें ये युवक कांग्रेस चुनाव कैसे होते हैं, इसकी प्रक्रिया को जानने के लिए हमारे भी साथ उपस्थित है राहुल जी जाटव, जिनको विधानसभा उपचुनाव में ब्यावरे का युवक कांग्रेस की तरफ से प्रभारी बनाया गया था। राहुल जी, युवक कांग्रेस के जो चुनाव हो रहे हैं, इसकी क्या प्रक्रिया और कैसे होंगे? जैसा कि आपने कहा कि जिस तरह से विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव जनप्रतिनिधियों को चुने जाते हैं, उसी तरह लोकतांत्रिक तरीके से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा एक मुहिम के तहत इस चुनाव के माध्यम से नेता बनो, नेता चुनो की प्रक्रिया चलाई जाती है, जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं और जिसमें युवाओं को एकत्रित करने की क्षमता होती है, वो चुनाव में भागीदारी बनते हैं, वो हिस्सा लेते हैं और वो चुनकर आते हैं और जनता की लड़ाई को लड़ते हैं। हमने देखा था पोर्टल पर, इसमें प्रक्रिया रहती थी कि वो वोटर बनाने की जी, मेंबरशिप की, ये इसकी कैसी प्रक्रिया रहती है? ये एक प्रक्रिया है जिसमें मेंबर पहले बनाने पड़ते हैं, ये 7 साल बाद चुनाव इस देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर होने जा रहे हैं। ये प्रक्रिया के माध्यम से होते हैं, जिसमें 18 से लेकर 35 साल के युवाओं को इसमें जोड़ा जाता है, वो फिर बाद में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के लिए यही लोग फिर मतदान करते हैं। आप किसको सपोर्ट, किसको जिला अध्यक्ष, किसको प्रदेश अध्यक्ष देखना चाहेंगे, किसको विधानसभा अध्यक्ष देखना, आपने पर्सनल मत किसका है? देखिए, ये कांग्रेस संगठन का चुनाव है, ये किसी दूसरी पार्टी का चुनाव नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं 2010 से कांग्रेस पार्टी से, युवा कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूं और उस समय से लेकर अभी तक, उस समय लक्की दांगी जी 2013 में इसी प्रक्रिया के माध्यम से चुनकर आए थे, तो उन्हीं के साथ में मैं उसी समय से अभी तक कार्य कर रहा हूं और उनके नेतृत्व में हमने विधानसभा की लड़ाई हो, चाहे गांव की हो या वार्ड की हो या भोपाल तक की, यहां तक कि दिल्ली की लड़ाई उनके साथ में लड़ी है। वो अभी जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव उनने नामांकन दाखिल करा है, लेकिन जहां तक मेरा सुनने में आ रहा है, उनका लड़ना अभी लगभग तय नहीं है, क्योंकि हमारे जो नेता हैं आदरणीय जयवर्धन सिंह जी और आदरणीय पूर्व मंत्री प्रव्रत सिंह जी, उनकी हरी झंडी के बाद ही वो अपना निर्णय अभी एक या कल, आज कल में वो लेंगे, और जो उनका निर्णय होगा वो हमारा निर्णय होगा। और हमारा भाई अमन अरोरा भी विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहा है और मेरा मानना है कि वो इस चुनाव को जीतेगा। वो अभी वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष भी था और उसने वार्ड से लेके उसने भी लड़ाइयां लड़ी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर की लड़ाई हो, या किसान की हो, या युवाओं की हो, या किसी भी वर्ग की हो। तो जिले की राजनीति आप कह रहे हैं मेंबरशिप के हिसाब से, बाकी इसमें बड़े नेताओं का भी हस्तक्षेप रहता है क्या? देखिए, इसमें किसी भी बड़े नेता का किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं है, ये एक प्रक्रिया के माध्यम से है, जिसमें कोई बड़ा छोटा या कोई भी समाज का, धर्म का व्यक्ति इसमें चुनाव में अपनी हिस्सेदारी ले सकता है, अब पार्टिसिपेट कर सकता है, और इसमें जिसमें भी युवाओं को एकत्रित करने की क्षमता होती है वो इसमें जीत कर आता है, और फिर चाहे वो नौजवानों की लड़ाई हो, किसानों की लड़ाई हो, चाहे देश में कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की घटना घटी, तो सरकार को जगाने का काम भारतीय युवा कांग्रेस पूरे धन बल से सड़कों पर, चाहे किसी भी प्रशासन के सामने लड़ती है। ऐसा तो नहीं कहीं इसमें हारने वाले जो मेंबरशिप करी और
जो सेकंड पोजीशन पे आता हो वो बुरा मानकर ग्रुप चेंज कर लेता है, या ग्रुपबाजी तो नहीं होती इसमें? नहीं नहीं, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे कि जिस तरह से जिसके पास जनादेश ज्यादा होता है वो अध्यक्ष चुनकर आता है, और जो जिसके पास अध्यक्ष से कम वोट होते हैं वो उपाध्यक्ष। इसमें निराशा की कोई भी बात नहीं है, मनमुटाव की कोई भी बात नहीं है। इसमें आदमी अपनी स्वयं की इच्छा से नामांकन दाखिल करता है और लड़ता है और जीत कर आता है। धन्यवाद राहुल जी, आपने चुनाव प्रक्रिया को हमें जो हमारे सामने शेयर की उसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, और देखते हैं आगे कौन अध्यक्ष बनता है, कौन उपाध्यक्ष बनता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।